आज आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे लगता है हम सबको एक बार फिर से अपने सब एक दूसरे को बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए कि जितने कम समय में इस पार्टी ने, जो संजय भाई ने गीत गाया कि समय का भार है, भविष्य का भार है, उस भार को उठाते हुए पूरे देश में जनता के अंदर एक उम्मीद कायम की है, वो इस बात का एहसास कराती है कि राजनीति ना सिर्फ बदल सकती है बल्कि बदल भी रही है। और एक ऐसे समय में जबकि देश की राजनीति में बहुत तेजी से ध्रुवीकरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है, केंद्र में सत्ता में ऐसी पार्टी बैठी हुई है जिसकी महारत लोगों को बांट के राज करने में है, दीवारें खड़े करके राज करने में है, और बल्कि उसका जन्म शायद समाज को बांट के रखने के लिए हुआ है। ऐसे समय में अगर राजनीति को बदलने की चुनौती हमारे सामने है तो संजय भाई का गीत वाकई बहुत ओपनिंग गीत, एक तरह से उनका ओपनिंग रिमार्क है कि हमारे सब साथी जितने यहाँ बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के परिषद के सदस्य, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, सबके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये पार्टी के नेशनल काउंसिल का हिस्सा सिर्फ किसी लिस्ट भर होने की बात नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और पिछले लगभग 3 साल में हम लोगों ने इस जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से निभाया भी है। जब जब हमारी परीक्षा की घड़ी आई है हमने एक दूसरे के साथ खड़े होकर गलत चीज़ों का विरोध किया है, और अगर देखें ईमानदारी से तो लगभग हम सब लोगों ने मिलकर 4 चुनाव लड़ लिए हैं। मैं 4 इसलिए कहता हूँ कि पहला चुनाव दिल्ली का चुनाव लड़ा सब लोगों ने मिलकर, जिसमें 49 डे सरकार चलाई, उसके तुरंत बाद लोकसभा का चुनाव आ गया। लोकसभा के चुनाव को मैं 2 हिस्सों में देखता हूँ, एक वो जो हम सब साथियों ने अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में रह के लड़वाया लड़ा, और एक बनारस का। बनारस का चुनाव अपने आप में एक अलग चुनाव था, उसको लोकसभा चुनाव के साथ वैसे नहीं गिन सकते कि लोकसभा का चुनाव था, वो अलग चुनाव था क्योंकि हम सब ने जाके ऐसे ही चुनाव लड़ा जैसे हम लोग चुनाव, मतलब हम में से हर आदमी वहाँ कैंडिडेट बन के चुनाव लड़ रहा था, तो वो अपने आप में इंडिपेंडेंट चुनाव हम लोगों ने लड़ा। तीसरा और चौथा फिर दिल्ली का चुनाव, और दिल्ली में वापसी बहुत बड़ी घटना थी। इस दौरान जीत के बाद, जीत के दौरान, चुनाव लड़ने के दौरान बहुत खट्टे मीठे अनुभव भी हुए, एक दूसरे की परीक्षा भी हुई, किस वक्त कौन क्या भूमिका निभाता है उसकी परीक्षा भी हुई, लेकिन तमाम झंझावातों से निकल के आज हम यहाँ खड़े हैं कि आपके पास में एक सूबे में सरकार है और दूसरे सूबे में आपके लिए फर्टाइल ग्राउंड होने की बात कही जा रही है। हम सब लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है, जो जो राज्य के प्रभारी अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं उनसे जब मैं बात करता हूँ तो बहुत उत्साहित सबके सब नज़र आते हैं, चाहे राजस्थान हो, उत्तराखंड हो या बिहार, जहाँ भी जो लोग काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के साथी, महाराष्ट्र के साथी, सब बहुत उत्साहित नज़र आते हैं। ये इसलिए उत्साह नहीं है कि अब आने वाले हर चुनाव को हम जीत जाएंगे, ये चुनाव ये उत्साह इस बात का नहीं है, ये उत्साह इस बात का है कि जिस राजनीति की हम बात करते हैं उस राजनीति की स्वीकार्यता बढ़ रही है और उसके प्रति भरोसा बढ़ रहा है कि ऐसा कायम हो सकता है, ये राजनीति भी आगे बढ़ सकती है, राजनीति भी टिकी रह सकती है। वरना अभी तक लोगों को ये लगता था साहब कुछ लोग आएंगे, कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, एक आध MLA कोई बनेगा निर्दलीय टाइप में और फिर खत्म हो जाएंगे, फिर वही मठाधीशी चलेगी। पर ये मठाधीशी राजनीतिक घरानों की, राजनीतिक पार्टियों की खत्म हो सकती है और उसकी जगह एक वैकल्पिक राजनीति, इस राजनीति का एक विकल्प खड़ा होकर टिका रह सकता है, जीत सकता है और पूरे देश में उस उम्मीद को लंबे समय तक बनाए रख सकता है। ये एक बड़ा काम हो रहा है जिसका एहसास सब लोगों से, आप में से जब अलग अलग चर्चा होती है तो सुनने को मिल सकता है। इधर आप लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, यहाँ आपकी बनवाई हुई दिल्ली की सरकार दिन रात काम कर रही है, शायद हम सबके ऊपर हमारे वंदना जी बैठी हुई हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, मंत्री हमारे बैठे हुए हैं, गोपाल भाई बैठे हुए हैं, सत्येंद्र बैठे हुए हैं, पीछे कहीं कपिल भी बैठे होंगे, बाकी सब साथी बैठे हुए हैं। हम सब लोगों के ऊपर तोहमत है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे हो। ऑफिसर्स जिनको काम करने की आदत नहीं है या काम करने की धीरे धीरे आदत है, थोड़ा सा काम कर लिया, थोड़ी चुस्की लगा ली,
फिर थोड़ा घूम आए, फिर थोड़ा आराम कर लिया। चुस्की लगाना अलग है, घूमना अलग है, काम करना अलग है, आराम अलग है, चारों पांचों में डिवाइड कर रखा था। उनको लग रहा है जी रोज आप पूछ लेते हो शाम को, तो बहुत तेजी से काम करने वाली सरकार बन रही है। और मैं कोई सिर्फ लफाजी में नहीं कह रहा हूं, ये पहली बार हो रहा है कि आपकी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री हर हफ्ते एक एक मंत्री से बुला के पूछते हैं कि पिछले हफ्ते जो काम बताया था उस पर क्या क्या प्रोग्रेस हुई बताओ। और जब हमसे पूछा जाता है मंत्रियों से पूछा जाता है, तो निश्चित रूप से मंत्री भी हर हफ्ते फिर अफसरों से पूछते हैं कि भाई वो कल जो परसों जो प्रॉमिस हुआ था उसका क्या हुआ बताओ, मुझे कल मुख्यमंत्री को जाकर बताना है। तो ये उसकी वजह से बहुत अलग तरीके का गवर्नेंस मैकेनिज्म खड़ा हो रहा है। और अरविंद भाई ने जब पिछली बार जब अभी शपथ ली थी तो उस वक्त तय किया था कि कोई विभाग नहीं लेंगे, तो उन्होंने कैसे उस सुपरविजन को संभाला है वो आपको दिल्ली सचिवालय में दिल्ली के अफसरों से बात करके पता चल सकता है, या मंत्रियों से बात करके पता चल सकता है कि इन्होंने क्या क्या संभाला हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक बार बहुत बहुत बधाई अरविंद भाई को देनी चाहिए कि पिछले 9 महीने में बहुत सफल सरकार चलाने का उन्होंने भरोसा दिया है सब लोगों को, और हम सब उनकी टीम के रूप में काम कर रहे हैं दिन रात। करप्शन फ्री इंडिया बन सकता है, अरविंद भाई हमेशा कहते हैं कि जिद है हमारी, तो वो जिद पूरी होती हुई दिख रही है। और अभी तो जिद पे ही है, क्योंकि क्या अड़चनें आ रही हैं करप्शन फ्री दिल्ली बनाने में वो मुझे यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है। वो अक्सर हम सोचते हैं ना कि कुछ लोग थे आपकी थाली को भरपूर लूट रहे थे, अचानक आपने उनके दोनों हाथ पकड़ लिया, वो छटपटाएंगे तो सही कि भाई अब नहीं खाने देंगे अपनी थाली में से, तो वो तो छटपटाएंगे। वो छटपटाहट सामने दिख रही है, वो चाहे एलजी के या सेंटर के इंटरवेंशन, एलजी के इंटरवेंशन, एंटी करप्शन ब्यूरो पे इंटरवेंशन, इन सब के रूप में दिख रही है। उसके बावजूद जो मैसेज जाना चाहिए वो बहुत स्ट्रांग है, और मैसेज आप सब लोग भी गवाहें उस चीज़ के कि बड़ा साफ है कि करप्शन बर्दाश्त नहीं होगा, वो चाहे कोई मंत्री क्यों ना करे। वो हमारा, वो चाहे 8 महीने 7 महीने पुरानी सरकार का मंत्री भी करप्शन करते हुए पकड़ा जाएगा तो बख्शा उसको भी नहीं जाएगा। ये मैसेज बहुत साफ है, और इस ये मैसेज काम कर रहा है एलजी के तमाम अवरोधों के बावजूद, सेंटर के तमाम अवरोधों के बावजूद जो मोदी जी लगा रहे हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो में तमाम तरह की अड़चनों के बावजूद ये मैसेज बहुत स्ट्रांग है, नीचे तक जा रहा है। इसी में अब धीरे धीरे आज विधानसभा का सत्र चल रहा है, और आज हम जिस दिन मिल रहे हैं उस दिन हम करप्शन पे एक बहुत बड़ा कानून, अब 2 बजे के बाद हम विधानसभा में बैठेंगे जाके, तो करप्शन के खिलाफ एक बहुत बड़ा कानून लेके आने वाले हैं, राइट टू सर्विसेज, जो अन्ना के लोकपाल को अंदर से ध्यान होगा आप सबको, अन्ना के लोकपाल के 2 पहलू थे, एक लोकपाल और एक सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर का जो वो है कि सिटीजन चार्टर ठीक से कैसे आए, एक एक आदमी को राइट टू सर्विसेज कैसे मिले, और जो जिसको वायलेशन हो कोई सर्टिफिकेट बनाने के लिए दिया वो सर्टिफिकेट अगर नहीं बना तो अफसर की तनख्वाह कैसे कटेगी और वो पैसा मुझे कैसे मिलेगा, 4 दिन मेरा सर्टिफिकेट लेट हुआ, उसका बहुत व्यवहारिक कानून आज विधानसभा में पेश करने जा रहे हैं हम लोग। तो आज इसलिए भी बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि हम नेशनल कन्वीनियंस अपनी नेशनल परिषद की, राष्ट्रीय परिषद की बैठक कर रहे हैं, और साथ साथ राष्ट्रीय परिषद जिस उद्देश्य से बनी, जिस उद्देश्य से पार्टी बनी, उसका एक कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आज विधानसभा में पेश होगा। शिक्षा पे बहुत काम हो रहा है, आपको अगर आप लोग दिल्ली के सरकारी स्कूलों में थोड़ी बहुत खैर खबर रखते हैं, कोई जानकार है तो पूछिए, आपको सूचना मिली होगी। शिक्षा पे बजट दोगुना करना तो एक छोटा सा काम था, छोटा फैसला था, बड़ा फैसला और बहुत सारे लिए गए हैं, अभी भी लिए जा रहे हैं। और जब आप फैसले लेंगे तो जिनको नहीं पढ़ाने की आदत पड़ी हुई है, जिनको लूटने की आदत पड़ी हुई है, जिनको प्राइवेट स्कूल को दुकान बनाने की आदत पड़ी हुई है, उनकी तरफ से विरोध भी आएगा, वो विरोध अखबारों में झलकता भी है। हेल्थ पे बहुत ज़बरदस्त काम हुआ, देश में पहली बार सत्येंद्र भाई, क्योंकि सत्येंद्र भाई को हेल्थ की भी समझ है और साथ साथ उनको आर्किटेक्चर की भी समझ है, उसका ऐसा संगम मिला कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर 6-6 करोड़ रुपए में 2-2, 3-3, 4-4 साल तक इंतजार के बाद बन के खड़े होते थे, आज सैंक्शन हो गया 4 साल बाद। तो सरकार आने के बाद जो कुछ सैंक्शन करती थी वो सरकार जाने से पहले 1-1.5 साल पहले करके दिखा पाती थी, वो भी उनमें से कुछ, और जो बीच बीच में किया वो तो अगली सरकार देखेगी। 4-4 साल लगते थे एक हेल्थ सेंटर बनने में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनने में, PHC, लेकिन सत्येंद्र भाई ने सरकार में आने के 3 महीने के अंदर अंदर 1 महीने के अंतराल के मेहनत पे, 3 महीने बाद तो हुआ लेकिन कुल मिला के उनको 1 महीना लगा,
पहला मोहल्ला क्लिनिक खड़ा कर दिया। और जो मोहल्ला क्लिनिक माने प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो चार चार पांच पांच करोड़ रुपए में बनते थे, छह छह करोड़ में बनते थे, वो उन्होंने 20 लाख रुपए में बना के दिखा दिया और उससे बेहतरीन। तो ये स्कूल में बहुत काम हो रहा है सत्येंद्र भाई के सहयोग से ही। आज आप देखेंगे दिल्ली के स्कूलों में 150-150 बच्चे पढ़ रहे हैं एक क्लास में, लेकिन सत्येंद्र भाई ने, हम सब लोगों ने मिलकर सारा असेसमेंट किया। अगले सत्र से पहले 8000 नए क्लासरूम दिल्ली के स्कूल्स में जुड़ जाएंगे, 20 नए स्कूल जुड़ जाएंगे। इस 8000 नए, आपकी सरकार जब आप लोगों ने प्रचार किया था तो 500 नए स्कूलों का किया था कि हम 500 नए स्कूल देंगे। 8000 नए क्लासरूम, समझ रहे हैं कितने, करीब करीब 200 स्कूल हो गए। पहली साल में आप 220 नए स्कूल देने वाले हो, ये बहुत बड़ी, यहां जाके खड़े हो रहे हैं। ट्रांसपोर्ट में पॉल्यूशन फ्री दिल्ली को बनाने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने के लिए गोपाल भाई भी, जैसे अरविंद भाई जितपड़ है ना, वैसे ही जितपड़े हुए हैं। और कल आपने देखा होगा कि दूसरा कार फ्री डे, अखबारों में आज भी था, टीवी पे भी था, दूसरा कार फ्री डे मनाया और जबरदस्त उत्साह। पहले के बाद लग रहा था कि शायद कम होगा, लेकिन कल लगा कि अब तो हो गया काम। और कोई अब ये सपना दूर की बात नहीं कि साइकिल रखना, साइकिल पे चलना एक गर्व का विषय होने लगेगा। लोग इसमें महसूस, अपना कंट्रीब्यूशन उसी तरह से महसूस करेंगे जैसे बाकी चीजों में करते हैं। यमुना में कपिल भाई कहाँ हैं, इन्होंने आरती, यमुना आरती करा के यमुना को एक अलग दिशा में, यमुना की साफ सफाई के काम को, यमुना के प्रति लोगों की श्रद्धा को एक अलग डायरेक्शन दे दिया। जो आरती के विहंगम दृश्य कभी हम बनारस के घाट पे देखते थे, हरिद्वार के घाट पे देखते थे, वो कपिल भाई ने दिल्ली में खड़ा कर दिया। ये बहुत अद्भुत काम हुआ। ऐसे और बहुत सारे, मैं तो सिर्फ आपको कुछ इशारों में, क्योंकि सारी चीज़ें आप तक पहुंचती रहती हैं और मैं जानता हूं ट्विटर पे, अखबार में आपकी नज़र सबसे पहले ही पहुंचती है कि हमारी सरकार क्या कर रही है, तो मुझे अननेसेसरी बहुत लंबी चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। पर फिर भी क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आप तक पहुँचे हैं, आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से राशन कार्ड, पूरे देश में राशन कार्ड एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन यहाँ सरकार ने आते ही पहले 45 दिन के अंदर अंदर कर दिया था कि अब आपको राशन कार्ड की सबसे बड़ी समस्या है कि आप राशन कार्ड बनवाओ और उसको राशन वाला लेके बैठ जाता है, वो फिर अपने हिसाब से राशन चोरी करता रहता है 1-8 साल, तो फिर आपको देता है। यहाँ आते ही सिस्टम बना दिया, जी कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट से प्रिंटआउट निकालो, राशन कार्ड आपका बन गया तो उसका इंटरनेट से प्रिंटआउट निकालो, उसी को जेब में डाल के घूमो, वही आपका राशन कार्ड है। आपको राशन कार्ड वाली बुकलेट ढूंढने की जरूरत नहीं है किसके पास है। तो राशन में पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस लगा रहे हैं ताकि एक एक चीज का रिकॉर्ड रह सके। बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिनके रिजल्ट आप तक आएंगे। सरकार, मुझे लगता है कि मतलब हम क्योंकि सरकार के अंदर बैठे हैं, आप लोग और बेहतर बता सकते हैं कि कहां कमी रह जा रही है, क्या रह जा रही है, किस चीज को और जोर देने की जरूरत है, कहां परसेप्शन और ठीक करने की जरूरत है, कहां मैसेजिंग गलत जा रही है अगर है तो। आज इसलिए भी थोड़ा सा उस तरफ भी ध्यान रहे जब बात रखें अपनी। पार्टी के रूप में देखें तो देश भर में काम चल रहा है, प्रभारी लोग काम कर रहे हैं। मैंने बताया कि खूब उत्साह दिखता है जब भी अलग अलग राज्यों के प्रभारियों से बात करता हूं, तो वो हमारा भी उत्साह बनता है कि यहाँ सरकार का काम वहाँ ट्रांसलेट हो रहा है पार्टी के संगठन की मजबूती के रूप में, और पार्टी के संगठन की मजबूती कहीं ना कहीं यहाँ सरकार को मजबूती दे रही है, ये दोनों एक दूसरे को मजबूती देते हैं। पर एक चीज़ और है, इन सब सरकार भी चलानी है, ईमानदार सरकार भी चलानी है, सिस्टम भी चेंज करना है, पार्टी को भी मजबूत करना है, पर ये नहीं भूलना कि हम आए किस लिए थे। हम सरकारें बनाने, सरकारें चलाने के लिए नहीं आए थे, हम देश की व्यवस्था को बदलने के लिए आए थे, हम देश के उन कानूनों को बदलने के लिए आए थे, हम देश की राजनीति के उन प्रैक्टिसेस को बदलने के लिए आए थे। और बहुत कुछ बदली है, मतलब गली गली में पैर छूने छुआने की परंपरा, जबरदस्ती फूल मालाओं और उन सब की परंपरा, फूल मालाओं से लादने की परंपराएं, ये सब भी बंद हो रही हैं। लेकिन जो बड़ी चुनौतियां हमारी, हम सबकी राजनीति के सामने खड़ी हैं, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, वो है कि सांप्रदायिक राजनीति हमारे सामने सबसे ज्यादा चुनौती के रूप में खड़ी हुई है, और वो बीच बीच में अपना फन उठा लेती है, उसके बाद आप कितना ही समझाते रहिए लोगों को, कितना ही करते रहिए, एक बार वो डंक मारता है तो फिर उसके काटा हुआ बसता नहीं है। उस दौर में हम कैसे जिए, और ये यही नहीं है, आप देखो इंटरनेशनल लेवल पे, अगर फ्रांस में हमले हो रहे हैं तो, अगर नाइजीरिया में हमले हो रहे हैं तो, सारी चीज़ें लिंक्ड हैं चारों तरफ। देश में जो हो रहा है वो बिसाड़े में हो रहा हो या
शाहरुख खान को कुछ कहा जाता हो या जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज को ये कहा जाता हो कि ये तो सांप्रदायिक, ये तो फांसीवादी ताकतों का गढ़ बन गई है, शाहरुख खान के बारे में कुछ आप बोल दीजिए केंद्र में बैठी हुई सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ, आपको तुरंत पाकिस्तानी करार दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा आपको पाकिस्तान भेज देंगे। ये देश में खतरनाक स्थिति है और वो हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपनी राजनीति को, हम जिस चीज़ के लिए राजनीति करने निकले हैं उसमें वो शामिल है, वो देश का माहौल बिगड़ने से बचाना है वो भी हमारे लिए शामिल है, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उन सब मुद्दों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे और कुछ अपने लिए भूमिका तलाश करेंगे, कुछ अपने लिए भूमिका तय करेंगे। एक रिक्वेस्ट आखिर में मैं करना चाहता हूँ, पिछली बार भी बात हुई थी थोड़ा, इन सब चीज़ों में जितनी मैंने बात की, सरकार दिल्ली में चल रही है जहाँ जहाँ संगठन की जिम्मेदारियाँ हैं, पर जो एक पार्टी के रूप में, एक राजनीति के विकल्प को खड़ा करने के रूप में समय देने की जब बात आती है तो कुछ लोग फिर गिने चुने लोग मिलते हैं, थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। वो पंकज से मैं बात कर रहा था कि पिछली बार का क्या हुआ, पिछली बार जब हमने रखा था प्रस्ताव की जो जो लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एक्टिविटीज़ में, वो लोग आगे आए तो उसमें कम लोग आगे आए। आज थोड़ा सा इस दिशा में भी देख के चर्चा करें कि हम इन सब चीज़ों पे, सिर्फ ये नहीं कि सरकार में क्या भूमिका होगी या पार्टी में कोई पद मिलेगा, महत्वपूर्ण ये कि ये जो राजनीति जिसकी हम बात कर रहे हैं इसमें तो भूमिका है ना, पद पे बैठ के करना होगा पद पे कर लेंगे, सरकार में बैठ के होगा सरकार में बैठ के कर लेंगे, लेकिन इन सबके अलावा क्या हमारी कोई भूमिका दिखती है, उस पर हम कुछ चर्चा करके कोई सॉल्यूशन ऐसा निकाल के ले जाएं ताकि सबको लगे हम एक्टिव हैं और सब एक्टिव रहें उसमें, सब अपनी अपनी छोटी मोटी जो जिसके पास जितना समय हो उस तरह की भूमिका निभा सकें, आगे आने वाली एक्टिविटीज़ में जुड़ें सब। मैं इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि यहां आए। और एक चीज़ संजय भाई ने इशारा किया कि एक और बड़ा काम जो स्वराज की दिशा में हुआ वो ये कि मोहल्ला सभाएं दिल्ली में बना रहे हैं। जैसे हम कहते थे कि गांव पंचायत नहीं ग्राम सभाएं, और शहरों में मोहल्ला सभाओं का गठन हो, मतलब मोहल्ला सभाएं काम करें, तो पहला बजट जब हमने बनाया इस सरकार का तो दिल्ली की 11 विधानसभाओं में पायलट के तौर पे, प्रयोग के तौर पे जाके लोगों से पूछा, बताओ भाई आपको क्या चाहिए, लोगों ने बताया, लोगों ने 20 कामों की लिस्ट बनाई, हमने कहा भाई पैसा कम है बताओ पहले क्या काम करें, लोगों ने पहले काम के बताया, दूसरा काम बताया, भाई पहले काम से पैसा बचता है तो दूसरा काम ये कर देना, प्रायोरिटी लिस्ट बना दी, वो प्रायोरिटी लिस्ट करके मोहल्ला सभाओं ने काम करना शुरू किया और अब उस प्रयोग को सफल देखते हुए दिल्ली की सारी विधानसभाओं को लगभग हर एक विधानसभा को 50, 55, 40 मोहल्लों में बांट के वो मोहल्ला सभाएं निर्धारित कर दी जाएंगी, भाई ये इलाका है इसके, इसमें रहने वाले इसकी मोहल्ला सभा हुए, यहाँ के रहने वाले लोग ये मोहल्ला हुआ, इसके ये लोग ये मोहल्ला सभा हो गए, वो मोहल्ला सभाएं आगे सरकार चलाने में बहुत भूमिका निभाने वाली हैं। आगे आने वाले समय में बजट, मैं पूरी उम्मीद ऐसी रख रहा हूं कि जब अगला बजट पेश होगा तो उस समय दिल्ली की हर विधानसभा में कम से कम 40 से 50 मोहल्ला सभाओं का एक्शन होगा और वो तय कर रही होंगी कि हमारा बजट क्या होगा और हमारे बजट का पैसा कहाँ खर्च होगा, उसके माध्यम से हम कर रहे होंगे। तो कुछ ज़रूरी फैसले जो हमको आज लेने हैं और उसके साथ साथ ज़रूरी चर्चाएँ करनी हैं, मैं कुछ ज़रूरी फैसलों पर पहले अपनी बात रख लेता हूं, अगर सबकी इजाजत हो तो मैं जरूरी फैसलों की तरफ चलूं। एक पंकज थोड़ा साथ ही हो, हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने, नेशनल एग्जीक्यूटिव ने फैसला लिया था, 31 मार्च को एक बैठक हुई थी नेशनल एग्जीक्यूटिव की, उसमें एक फैसला लिया गया था कि जो हमारे संविधान में आर्टिकल 3-4 3 लिखा हुआ है, 4-3 उसका सब क्लॉज डी है, ये कहता है कि द टर्म ऑफ मेंबरशिप शैल बी 3 years, कोई भी सदस्य उसकी मेंबरशिप 3 साल होगी, ए मेंबर शैल हैव टू गेट हिज मेंबरशिप रिन्यूड आफ्टर एवरी 3 years, हर एक मेंबर को 3 साल बाद अपनी मेंबरशिप रिन्यू करानी पड़ेगी, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज ए ईयर शैल बी द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ ए कैलेंडर ईयर और द डेट ऑफ एनरोलमेंट ऑफ ए मेंबर अप टू 31 मार्च, तो जब भी आप मेंबरशिप लेंगे उसके 31 मार्च तक आपकी मेंबरशिप उस साल से 3 साल बाद गिनी जाएगी, ऐसा हमारा संविधान कहता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी अड़चन आई अचानक, क्योंकि हमारी पार्टी संगठन नई है, संगठन मजबूत हो रहा है, धीरे धीरे काम कर रहे हैं,
नई तरीके की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए और कई बार लोग छटकते हैं, आते हैं, भागते हैं, जाते हैं। उन सब के बीच में एक जरूरत यह महसूस हुई कि जितने भी एक्टिव मेंबर हैं उनकी मेंबरशिप 31 मार्च को खत्म हो रही थी, 31 मार्च 2015 को, और तुरंत नेशनल काउंसिल बुला के उस तरह के फैसले लेना संभव नहीं था। इसलिए नेशनल एग्जीक्यूटिव ने आपकी फैसला लिया कि जितने भी एक्टिव मेंबर हैं उनकी मेंबरशिप 6 महीने के लिए और बढ़ा, 6 महीने बढ़े थे, 6 महीने बढ़े थे, 6 महीने के लिए और बढ़ा दी जाए, 8 महीने, अच्छा 1 अप्रैल से बढ़ाई गई थी, हाँ 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी जाए। तो ये 30 नवंबर तक मेंबरशिप बढ़ा के ये सोचा गया था कि इसके बाद सारी चीज़ों को और एस्टेब्लिश कर लेंगे तब तक। तो ये फैसला एग्जीक्यूटिव, नेशनल एग्जीक्यूटिव का था जिसको आज रेटिफाई कराना है। उसके तहत यहाँ जितने साथी बैठे हुए हैं और जितने नेशनल जो नेशनल काउंसिल में नहीं हैं फिर भी एक्टिव मेंबर हैं, कहीं और हैं, थोड़े बहुत और हैं, जहाँ जहाँ होंगे, वो सारे के सारे 31 मार्च को उनकी मेंबरशिप खत्म हो रही थी। तो फैसला ये लिया गया कि ये सबकी मेंबरशिप 30 नवंबर 2015 तक बढ़ा दी जाए, ताकि इस बीच में ड्यू प्रोसेसेस कुछ पूरी की जा सके और आगे चुनाव की तरफ, पार्टी में सांगठनिक चुनावों की तरफ बढ़ा जा सके। तो प्रस्ताव ये है यहाँ सदन के सामने कि नेशनल एग्जीक्यूटिव का जो फैसला था कि सबकी मेंबरशिप, सारे एक्टिव मेंबर्स की मेंबरशिप 30 नवंबर तक बढ़ाई जाए, उसको वहाँ फैसला ले लिया गया, लेकिन इसको मोहर यहाँ की लगेगी इस पर, तो यहाँ सदन में पास कराना है। तो मैं आपके साथ वॉइस वोट से अगर आपको मंजूर हो तो नेशनल एग्जीक्यूटिव का ये फैसला हम इसको पास कर देते हैं। तो जो फैसला लिया गया था कि 31 मार्च 2013 को जिनकी मेंबरशिप खत्म हो रही थी वो 30 नवंबर तक पास हुआ। एक मिनट आप लोग फिर से हाथ ऊपर कर ले। तो वॉइस वोट से लगभग ये लग रहा है, इसको रिवर्स भी करके देख लेंगे एक बार। हाँ ठीक है, हो गया हो गया, इसको रिवर्स कर लेते हैं। किसी को इस पे आपत्ति है? ठीक ठीक है। दूसरा फैसला ये है कि जितने हम साथी यहाँ बैठे हैं उसमें अगर आज की तारीख में देखें तो दो, मतलब वैसे तो एक ही सोच के हैं सब। कोरम पूरा है, संजू भाई कह रहे हैं क्योंकि कोरम पूरा है, और ये फैसला कि 30 नवंबर तक बढ़ाई जाए पास हुआ क्योंकि यहाँ कोई नेगेट नहीं हुआ, किसी ने विरोध नहीं किया और लगभग सभी लोगों ने हाथ भी उठाए, वॉइस वोट से ये जो प्रस्ताव था पिछला वाला वो पास हुआ। दूसरा फैसला ये है कि हम जो लोग इकट्ठा हुए थे उसमें कुछ लोगों ने शुरू में मेंबरशिप ली थी फाउंडेशन डे पे, उनको कहा गया था फाउंडिंग मेंबर। उसके बाद अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ यथास्थिति बनी, कुछ ज़िलों में चुनाव हुए, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल से निकल के आगे लोग बढ़े। सो हमारा संविधान ये कहता है कि ऑल दोज हु कम टुगेदर टू फॉर्म द पार्टी एंड आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्टी, जो उस वक्त हुई थी, शैल फॉर्म द फर्स्ट नेशनल काउंसिल ऑफ द पार्टी। हम लोग जो फाउंडिंग मेंबर थे वो उस वक्त की नेशनल काउंसिल बने थे, संविधान ये कहता है। दे शैल बी डीम्ड टू बी एक्टिव मेंबर्स ऑफ द पार्टी। उस वक्त सबकी हो सकता है किसी की 10 रुपये की रसीद कटी थी, लेकिन उस वक्त ये प्रस्ताव था संविधान में कि वो सबके सब एक्टिव मेंबर घोषित हो जाएंगे। अब आगे जो है इसमें एक अमेंडमेंट करना है इस क्लॉज में। प्रपोजल ये है अमेंडमेंट का कि सच मेंबर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर फर्स्ट टर्म, क्योंकि जो फाउंडिंग मेंबर थे उनकी अब टर्म खत्म हो रही है 3 साल की, एज एनसी मेंबर्स मे बी गिवन ए सेकेंड टर्म एज एनसी मेंबर्स। तो जो फाउंडर मेंबर्स थे उनको नेशनल काउंसिल मेंबरशिप का एक टर्म और 3 साल के लिए देने का प्रस्ताव हम इसमें अमेंड कर रहे हैं। एनसी मेंबर्स बाय द एनसी रेजोल्यूशन पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी सब्जेक्ट, ये अभी रेजोल्यूशन नहीं ला रहा मैं, अभी मैं आपके सामने प्रस्ताव रख रहा हूँ कि संविधान को अमेंड कर रहे हैं कि जो लोग पिछली बार फाउंडिंग मेंबर थे वो फाउंडिंग मेंबर अब इस, अगर ये सदन सहमत करेगा तो संविधान में संशोधन कर देते हैं कि नेशनल काउंसिल एक रेजोल्यूशन पास करके इस मेंबरशिप को अगले 3 साल के लिए बढ़ा सकेगी। अभी सिर्फ पावर दे रहे हैं नेशनल काउंसिल को, अभी पास नहीं कर रहे 3 साल की, समझ रहे हैं इस बात को कि अभी सिर्फ हम अपने आप को पावर दे रहे हैं कि हम इसको आज कर लें, किसी और समय कर लें, रेजोल्यूशन ला के अपनी ही फाउंडेशन मेंबर्स की मेंबरशिप को 3 साल के लिए बढ़ा सकेंगे। ये एक प्रस्ताव है, अगर सदन को मंजूर हो तो इसको हम संविधान में अमेंडमेंट को पास कर लेते हैं। हमको पहले तो हमको ये पावर चाहिए
इस सदन को, जहां जितने लोग बैठे हैं, इस सदन को ये पावर चाहिए। संविधान के तहत अभी पावर नहीं है कि हम इसकी मेंबरशिप को आगे बढ़ा सकें। जब बढ़ा रहे होंगे तो रेजोल्यूशन ले आएंगे कि एक्सक्लूजन, ठीक है। तो मैं फिर से पढ़ देता हूं, हमारे संविधान कहता है कि ऑल दोज हु कम टुगेदर टू फॉर्म द पार्टी एंड आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्टी शैल फॉर्म द फर्स्ट नेशनल काउंसिल ऑफ द पार्टी, दे शैल बी डीम्ड टू बी एक्टिव मेंबर्स ऑफ द पार्टी। ये तो था, इसमें इतना और जोड़ रहे हैं, सच मेंबर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर फर्स्ट टर्म एज नेशनल काउंसिल मेंबर्स मे बी गिवन ए सेकेंड टर्म एज नेशनल काउंसिल मेंबर्स बाई एन नेशनल काउंसिल रेजोल्यूशन इटसेल्फ पास्ड बाई सिंपल मेजोरिटी सब्जेक्ट टू रिन्यूअल ऑफ देयर एक्टिव मेंबरशिप। क्लियर? जो जो लोग अब अपनी एक्टिव मेंबरशिप करा लेंगे उनकी हम बढ़ाने की पावर दे रहे हैं अपने आप को मेंबरशिप, ठीक है, इसमें वो अपने आप आ जाएगा। तो ये अमेंडमेंट पास है जी, एक बार वॉइस वोट से बता दें, पास। कोई विरोध में कहीं नीचे कर, पास वाले नीचे कर, मतलब जो समर्थन में वो नीचे कर लें, जो कोई विरोध में इसके, कोई ऑब्जेक्शन? तो ये रेजोल्यूशन भी पास हुआ संविधान में अमेंडमेंट का, संविधान की क्लॉज फोर एफ ए में हमने एक पैराग्राफ जोड़ दिया है। एक और सब क्लॉज है फोर में, सब क्लॉज सी। अभी हमारे जिस वक्त हम संविधान बना रहे थे उस वक्त थोड़ा सा विजुलाइज हमने करने की कोशिश की थी कि कैसे नेशनल काउंसिल और इन सब की इलेक्शंस होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ इलेक्शन हो सकेगा, कहाँ इलेक्शन देने की कराने की पावर किसके पास होगी, उस सब को लेके हमने इतना ही लिखा था, द टर्म ऑफ ईच ऑर्गन ऑफ द पार्टी बी एट एनी लेवल शैल बी फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। पार्टी के हर एक ऑर्गन का हर एक लेवल पे जो कार्यकाल है वो 3 साल का होगा। अब इसकी जगह एक नई चीज लेके आ रहे हैं, इसमें लिखा है क्या? अच्छा, गुड। द टर्म ऑफ ईच ऑर्गन ऑफ द पार्टी बी एट एनी लेवल शैल बी फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। इतना तो ठीक है, पहला थोड़ा नीचे करके दिखाओ उसको। हाँ, ठीक है, इतना तो ठीक है। हाउएवर इफ इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड बाय द टाइम ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म कैन बी एक्सटेंडेड टिल द नेक्स्ट इलेक्शन सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट द इलेक्शंस आर हेल्ड नॉट लेटर देन द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ बिगनिंग ऑफ द टर्म। मतलब जब टर्म बिगिन हुई थी उसके 4 साल से, यानी 3 साल में एक्सपायरी होगी, यानी कि 1 साल का पीरियड, तो 1 साल का लीप मिल जाएगा हमें इस बार। दैट सच प्रपोजल इज अप्रूव्ड बाय नेशनल काउंसिल इन केस एक्सटेंशन इज ग्रांटेड टू नेशनल एग्जीक्यूटिव एंड और नेशनल काउंसिल। ये दिख रहा है ना उधर पृथ्वी, आप थोड़ा सा इधर हो जाना, पृथ्वी आप इधर आ जाओ, बिकॉज इधर वाले साथियों को नहीं दिख रहा होगा मुझे। दैट सच प्रपोजल इज अप्रूव्ड बाय नेशनल एग्जीक्यूटिव इन केस एक्सटेंशन इज ग्रांटेड टू स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड और स्टेट काउंसिल। दैट सच प्रपोजल इज अप्रूव्ड बाय स्टेट एग्जीक्यूटिव इन केस एक्सटेंशन इज ग्रांटेड टू ऑर्गन्स लोअर टू द स्टेट एग्जीक्यूटिव ऑन स्टेट काउंसिल। ये क्लियर हो रहा है? इसमें इलेक्शंस होंगे, जैसे बॉडी जिस वक्त गठित हुई हम ये कह रहे हैं कि उसके 3 साल में हो जाने चाहिए थे, हमारा ये कह रहा है, लेकिन अभी हम ये अमेंड कर रहे हैं कि नॉट लेटर देन 4 ईयर्स। तो मतलब अभी 3 साल की खत्म होने के बाद 1 साल की और लीवरेज मिलती है, लेकिन आगे आने पे हम इसको कराएंगे, अभी रिजोल्यूशंस पे आएंगे तो और क्लैरिटी होगी इसकी कि हमको जल्दी इलेक्शन भी कराने हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बढ़ती रहे। तो नॉट लेटर देन 1 ईयर, मतलब अगर देखें तो नॉट लेटर देन 1 ईयर, 4 साल तो टोटलिटी में काउंट हो रहा है, लेकिन नेशनल काउंसिल अगर नेशनल एग्जीक्यूटिव, जैसे आज आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव यहाँ बैठी है, इसका इलेक्शन नहीं हुआ, इसको अगर ग्रांट करना है तो नेशनल काउंसिल ग्रांट करेगी कि साहब ठीक है चलो। अभी हम जनरल क्लॉज पास नहीं कर रहे कि 4 साल में इलेक्शन होंगे या 4 साल के अंदर होंगे, हम ये क्लॉज पास कर रहे हैं कि अगर नेशनल काउंसिल चाहेगी तो नेशनल एग्जीक्यूटिव को दे सकेगी, अगर स्टेट काउंसिल चाहेगी तो स्टेट एग्जीक्यूटिव को दे सकेगी, एंड नहीं नेशनल एग्जीक्यूटिव, हाँ अगर स्टेट एग्जीक्यूटिव है तो उसको परमिशन देगी नेशनल एग्जीक्यूटिव, और अगर डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव है उसके नीचे की वो है तो स्टेट एग्जीक्यूटिव। एक संस्था, ऊपर बैठी संस्था नीचे बैठी संस्था के बारे में ये फैसला ले सकेगी कि अगर थोड़ा सा एक्सटेंशन देना है, अप टू मैक्सिमम अगर देखें इसको टेक्निकल टर्म में देखें तो 1 साल, लेकिन टोटलिटी का पीरियड हुआ 4 साल, 4 साल का एक्सटेंशन, मतलब 4 साल का पीरियड का एक्सटेंशन, 4 साल का टोटल टेनर के लिए। तो ये
एक लेवल ऊपर की संस्था, एक लेवल ऊपर की बॉडी उसको एक्सटेंशन देने की पावर दे रहे हैं, फैसला नहीं ले रहे, फैसला तो बाद में रिजोल्यूशन से लेने की जरूरत पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल बना रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे सारे इलेक्शंस वगैरह नहीं हो पाए थे इसलिए। तो अगर आप लोग ये अप्रूव करें, इस अमेंडमेंट को भी करें, तो हम इसको संविधान में, अपने आम आदमी पार्टी के संविधान में इसको भी अमेंडमेंट को अप्रूव कर देते हैं। बताइए, एक बार रिवर्स में देख लेते हैं। मगर आप नहीं बोल रहे, अच्छा ठीक है, पूछ लो यार, विरोध हो तो कम से कम पता चल जाए। बोले नेशनल सेक्रेटरी की नहीं सुनी। कोई रिवर्स में किसी को आपत्ति हो इस पे? विवेक भाई कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, ये इससे संबंधित तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये संविधान में क्लॉज 4 के सब क्लॉज सी का ये रिजोल्यूशन, ये अमेंडमेंट भी पास हुआ, बधाई हो जी। थोड़ा सा व्यवहारिक और हो रहा है अब इससे संबंधित रिजोल्यूशन। तो ये दो अमेंडमेंट हमने अपने संविधान में किए हैं। अब इससे संबंधित कुछ रेजोल्यूशन मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने। पहला रेजोल्यूशन है, इट इज रिजॉल्व दैट इन पर्सुएंस ऑफ द आर्टिकल 4F(a) द टर्म ऑफ ऑल दोज हु केम टुगेदर टू फॉर्म द पार्टी एंड वर प्रेजेंट इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्टी एंड फॉर्म द फर्स्ट नेशनल काउंसिल ऑफ द पार्टी एंड हैव कंप्लीटेड देयर टर्म एज नेशनल काउंसिल मेंबर्स ऑन 23rd November 2015, दैट इज टुडे, आर गिवन ए सेकेंड टर्म ऑफ 3 years एज नेशनल काउंसिल मेंबर्स सब्जेक्ट टू रिन्यूअल ऑफ देवर एक्टिव मेंबरशिप। जो संविधान में संशोधन पास किया था उस अधिकार को लेके अब ये काउंसिल तय कर रही है कि जिनकी मेंबरशिप 23 नवंबर 2015 को खत्म होने वाली है उनको एक टर्म और की मेंबरशिप दे दी जाए। ये रिजोल्यूशन है, इसमें वो आ गया जो उनका ये तो उसमें कोई कंफ्यूजन नेशनल काउंसिल मेंबर के रूप में जो हमारी मेंबरशिप थी, जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनकी आज खत्म हो रही थी, तो इसलिए आज वो सबकी एक्टिव मेंबरशिप बनाने का, नेशनल काउंसिल मेंबर नहीं, ये जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनकी मेंबरशिप, फाउंडिंग मेंबरशिप मतलब नेशनल काउंसिल की मेंबरशिप, नॉट फाउंडिंग मेंबरशिप, नेशनल काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ाने का प्रस्ताव जो कि आज खत्म हो रही थी 3 साल के लिए बढ़ाने का है। क्लियर है, ये रेजोल्यूशन पास है जी, ठीक है। इसमें किसी का आप ऑब्जेक्शन? भाई रिकॉर्ड करते रहना, सेकंड टर्म के उस पर किसी का ऑब्जेक्शन? तो ये रेजोल्यूशन पास हुआ। दूसरा रेजोल्यूशन, इट इज रिजॉल्व दैट इन परस्यूएंस ऑफ द आर्टिकल 4C द टर्म ऑफ प्रेजेंट नेशनल एग्जीक्यूटिव बी एक्सटेंडेड टिल 15th May 2016 बाय व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड। ये नेशनल एग्जीक्यूटिव आपकी जो काम कर रही है, ये अभी हम इसको 15 मई 2016 तक इलेक्शन करा के नई एग्जीक्यूटिव, नेशनल एग्जीक्यूटिव बना लें और तब तक के लिए इसको एक्सटेंशन मिले, ऐसा रेजोल्यूशन आपके सामने है। अगर आपकी सहमति हो तो पास हो, पास वाले नीचे कर लो, पहले विरोध वाले बता दो। किसी का ऑब्जेक्शन? तो जहां 3 होते हैं वहां 3 भी नहीं बचते हैं, वो भी निकल जाते हैं। तो चलिए, ये भी पास हुआ, ये रेजोल्यूशन भी पास हुआ, आपको बहुत बहुत बधाई। एक तीसरा रेजोल्यूशन है, इट इज रिजॉल्व टू रेटिफाई द डिसीजन ऑफ द नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल डेटेड 24 September 2015 to constitute a committee to conduct party elections and set up all rules and procedures for the same. ये resolution है, उसका मैं आगे भी पढ़ देता हूँ कि अभी पिछले हमने कहा ना 15 मई तक के लिए, तो वो सब election वगैरह कराने के लिए एक committee बनाई थी। It is further resolved that for the purpose of conducting elections, a district unit can be constituted provided more than 50% of its primary units have duly enrolled the requisite number of active members
एज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और फर्दर आगे ले, ए स्टेट यूनिट कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड प्रोवाइडेड मोर देन 50% ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड. जिस राज्य में 50% यूनिट बन गई हो डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ स्टेट के इलेक्शन. और जिस जिले में नहीं, पहला वाला ये जो था, हाँ, प्राइमरी यूनिट्स बन गई हो 50% जिस डिस्ट्रिक्ट में बन गई हो प्राइमरी यूनिट्स, वहाँ डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन करा लिया जाए. ऐसा फैसला 24 सितंबर 2015 को एक कॉन्स्टिट्यूट नेशनल एग्जीक्यूटिव में लिया गया था, कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करके उसके रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाने के लिए एंड सेट अप ऑल रूल्स. तो ये रेजोल्यूशन था, इसको आपसे नेशनल काउंसिल से रेटिफाई कराना है. अगर नेशनल काउंसिल इससे सहमत है तो नेशनल एग्जीक्यूटिव के इस फैसले को अपनी सहमति दे सकती है. अच्छा, फिर से क्लियर कर देते हैं. 24 सितंबर 2015 को नेशनल एग्जीक्यूटिव ने एक फैसला लेके चुनाव कराने के लिए एक समिति बनाई थी और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए उसमें कुछ प्रोविजंस डाले गए थे कि जहाँ चुनाव होगा वहाँ उस जिले में चुनाव होगा जिसकी प्राइमरी यूनिट्स में से कम 50% प्राइमरी यूनिट्स में जितने मेंबर्स चाहिए उतने मेंबर्स हो चुके हैं संविधान के हिसाब से. उतने एक्टिव प्राइमरी यूनिट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, गांव के लिए, शहरों के लिए, उसमें डिफाइंड है. और स्टेट यूनिट में इलेक्शन वहां होगा जहां 50% ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड. स्टेट का इलेक्शन वहां होगा, जिले का इलेक्शन वहां होगा जहां उसकी प्राइमरी यूनिट्स में कम से कम 50% में उतनी संख्या में एक्टिव मेंबर हैं जितने की संविधान के हिसाब से चाहिए, वहां इलेक्शन कराया जाएगा. तो ये ताकि देखिए, उसका नुकसान फायदा यह है कि कहीं चार लोग भी खड़े होकर कहने लगे भाई हम तो चुनाव कराएंगे, तो वो फिर यहाँ जितने लोग इतने दिन से लगे हुए हैं, लोगों ने जोड़े हैं, वो पीछे हट जाएंगे. और कहीं चार लोग खड़े होकर कहने लगेंगे आप मेहनत कर रहे हैं उस जिले में, थोड़ा सा सेटअप करके चलना चाहते हैं, उसके फायदे नुकसान थे. तो इसलिए ये प्रस्ताव आपके सामने है जो नेशनल एग्जीक्यूटिव ने फैसला लेके उसकी कमेटी ने काम करना था, ये आप यहां से रेटिफाई कराना है. तो अगर आप इजाज़त देते हैं तो उसको रेटिफाई कर लेते हैं. फिफ्टी परसेंट जिलों में अगर किसी राज्य में इतना माहौल बन गया है कि उसमें इलेक्शन भी हो गए हैं इतना माहौल और वहाँ एक्टिव, तो मुझे लगता है फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव वहाँ बन, हमको सबको लगता है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव बन जानी चाहिए वहाँ पे इलेक्टेड होके. बाकी के 50% में वो स्टेट चुनी हुई स्टेट एग्जीक्यूटिव काम कर लेगी, क्योंकि 50% भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट होते हैं, कम नहीं होते हैं. मोर देन 50% मोर देन है, तो इसलिए वो ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर देखें तो मोर देन 50% होना चाहिए. ठीक है जी, जहां अभी इलेक्शन हो रहा है वहां, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत फर्टाइल मतलब अलग तरह से स्थिति रहती है वहां पे, तो जहां अभी पार्टी इलेक्शन लड़ने जा रही है वहां ना कराए जाए चुनाव, ये उसका वो उसमें आ जाएगा, उसके कमेटी के उसमें आ जाएगा, कमेटी के मैंडेट में आ जाएगा. पर ये स्टेट एग्जीक्यूटिव ये नेशनल एग्जीक्यूटिव का फैसला था जिसको मैंने रेटिफाई करने के लिए आपके सामने रखा है, अगर आपकी मंजूरी हो तो इसको पास कर देते हैं. रिवर्स, अरे रुक जाओ यार. दूसरा कोई रिवर्स में कोई किसी को इस पर आपत्ति? ठीक है, तो नेशनल एग्जीक्यूटिव का ये फैसला रेटिफाई किया गया नेशनल काउंसिल द्वारा. थैंक यू.